नमस्कार, आज कुकिंग क्लास में देसी गुलाब का शरबत बनाना बताएंगे। वो उसके लिए क्या लाया हो तोड़ के बगीचे से? देसी गुलाब और पुदीना। हाँ, और ये मिश्री है, 100 ग्राम मिश्री डाल के इसका शरबत बनाएंगे। मैम, ये है देसी गुलाब। हाँ, ये और है देसी गुलाब को ही तोड़। ये है देसी गुलाब। ये है ना देसी गुलाब। हाँ, तोड़ लो। हाँ, जितना देसी है सबको तोड़ लो। उधर और है, वहां से भी ले लो। मैम, पुदीना ले रही हूँ। नरम और नई पत्तियों को लेना है। ये अनार का पत्ता है। हाँ, इसका आज कुकिंग क्लास में काढ़ा बनाना बताएंगे। तो ये आप कहाँ से लाए इसको? बगीचे। हाँ, और सब नरम पत्तियाँ लिए हो ना? हाँ। ये देखिए, ये देसी गुलाब है अपने बगीचे का। तो इसको 2-3 दिन का जमा कर लिए हैं। देसी गुलाब से बनाएंगे और थोड़े से ये पुदीने की पत्ती डालेंगे। और गुलाब जमा कर लिए 2-3 दिन का, इसलिए मिश्री इसमें 1 पाव डालेंगे। 1 पाव मिश्री। और गुलाब को अच्छे से साफ करके धो लिए हैं। अब बनाएंगे, ये मात्र 5 मिनट में यह शरबत बन जाएगा। ये देखिए, हमारा यह देसी गुलाब का शरबत बन चुका है। इसको लगभग तेज आंच में 15 मिनट पकाए हैं। 10 मिनट पकाए, हमें लगा थोड़ा और पकाना है, तो इसको 15 मिनट तक खूब तेज आंच में पकाए हैं। यह सर्व करने के लिए तैयार है। बस इसको छानेंगे और यह बर्फ एक एक पीस डाल के सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए, इसकी कलर भी अच्छी है और ये बन चुका है। इसको तेज आंच में 15 मिनट तक पकाना है। बस छानेंगे इसको। देखिए, हमारा ये देसी गुलाब का शरबत तैयार है। आप लोग चाहें तो इसको ज़्यादा दिन तक भी, गुलाब को पहले फ्रिज में जमा कर लें उसके बाद बनाएं। हमारे बगीचे में देसी गुलाब बहुत होता है। तो ये 6 लोगों के लिए, इतना 1 पाव मिश्री में और इतने गुलाब में 6 लोगों के लिए तैयार है। तो आप लोग भी बनाइए, एकदम शुद्ध और ताज़ा देसी गुलाब का शरबत गर्मी में ठंडा ठंडा पीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।